गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? सब अच्छे हैं? घर पर स्टडी कर रहे हैं? बहुत बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आप वीडियो बहुत प्रॉपरली देखते हैं और वर्कशीट करते हैं। बच्चों, मैंने आपको भी अपनी वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। आपने घर पे अपने घर में सेल को देखा भी होगा और समझ भी आ गया होगा आपको। तो क्या बच्चों, कोई चीज़ हम जलाते हैं तो उसमें वायर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक सेल में तो नहीं होती। लेकिन जब हम, आपको पता है आपके घरों में जितना भी लाइट जलती है आपकी मीटर से कनेक्शन होता है। आपके घर में सबके घर मीटर लगा होगा और वायरिंग आपके घरों तक गई हुई है, अंदर तक। पहले समय में वायरिंग ऊपर होती थी, लेकिन आजकल जब मकान बनता है, घर बनाते हैं लोग, तो अंदर से ही फिटिंग करा लेते हैं, पाइप अंदर से डलवा कर उन्हीं में से तार डलवा देते हैं। अपने अपने घरों में देखा है छोटे छोटे होल होते हैं जिसपे ऊपर ढक्कन लगा होता है, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है कभी वायर में, तो उसको खोल के हम इलेक्ट्रिशियन से उसको रिपेयर कराते हैं। तो ये करंट कैसे चलता है? क्या तार लगाना ही जरूरी है और कुछ यूज नहीं कर सकते क्या? और जो तार लगाते हैं वही लगाते हैं जिनमें करंट पास हो जाता है। तो करंट किन किन में पास होता है आज मैं बताऊंगी। कंडक्टर और इंसुलेटर, कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर से ही नाम से पता चल रहा है, कंडक्ट करना, जिसमें से करंट पास हो जाता है। मैटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिख दीजिए, ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, एक और मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ। कंडक्टर क्या होते हैं? मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास हो जाता है, जो अपने अंदर से करंट पास होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, और इसके अलावा जो जिनमें से करंट पास नहीं होता मटेरियल, इसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ मटेरियल, इसका बिल्कुल डू नॉट लग जाएगा इसमें, बस बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते। इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। रबर आपने देखा होगा, लेदर, रबर, लेदर, वुड, प्लास्टिक, आपने नोटिस भी किया होगा जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं, रबड़ के वो बड़े बड़े शूज पहनते हैं, उनके सिर पे हेलमेट होता है जो प्लास्टिक का होता है। क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं, पहनकर जब वो काम करते हैं बाय चांस उनको कोई झटका लग जाए या करंट लग जाए तो इंसुलेटर होते हैं, उनमें से करंट पास नहीं होता और वो सेफ रहते हैं, उनको कोई हार्म नहीं होता, इसलिए ये इंसुलेटर है। एक बात और मैं बता दूं बच्चों, इनमें से हम मोस्टली जो तार यूज करते हैं वो कॉपर की होती है, तांबे की तार होती है, सिल्वर की तार हम यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर एक कॉस्टली मैटर है जिसको हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉपर, तांबे की तार यूज करी जाती है जिसमें से करंट पास किया जाता है।